नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे फिशर के विषय में। फिशर, एनल फिशर वो समस्या है या फिशर इन एनो वो समस्या है जो इस समय बहुत लोगों को है और यहाँ एक सर्जरी तक की स्थिति बनती है और आप लोग परेशान होते हैं। हम आपको बताएंगे इसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, और निश्चित रूप से दवाएं साथियों बहुत कारगर होंगी अगर आप सिर्फ दो काम कर लें। पहला काम साथियों, रात का खाना जल्दी खा लें और हल्का खाएं। टेक डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल, एज लाइट एज पॉसिबल। दूसरी बात, पानी बहुत पिएं और बाजार का खाना न खाएं। अगर आप यह दो बातें कर ले जाएंगे या तीन बातें फॉलो कर ले जाएंगे और साथ में आप दवा कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप फिशर की समस्या से निकल जाएंगे, ऑपरेशन से, सर्जरी से बच जाएंगे। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं फिशर होता क्या है। फिशर साथियों, जो आपका एनल एनस की लाइनिंग होती है उसकी जो म्यूकोसा होती है, जब वह मेम्ब्रेन टियर हो जाती है या उसमें अल्सर हो जाता है तो उस कंडीशन को फिशर कहते हैं, जो बहुत पेनफुल होती है। अक्सर कंफ्यूज रहते हैं हम लोग कि पाइल्स और फिशर में क्या अंतर, डॉक्टर साहब पाइल्स है या फिशर है। तो साथियों, पाइल्स वो होता है जब आपका जो रेक्टम होता है, इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, उसमें जो वेंस होती है उसमें स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, तो उसमें आपको हिमरॉइड ऐसा गांठ ऐसी दिखती है। जबकि फिशर में क्या होता है, फिशर में टियर हो जाता है, म्यूकोसा फट जाती है या अल्सर हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, प्रिकिंग टाइप पेन होता है, तो वहाँ फिशर होता है। फिजर के साथियों सिम्टम्स की बात कर लें। सबसे बड़ा सिम्टम तो साथियों होता है फिजर में, वह है पेन। अगर आपको मोशन पास करते वक्त, स्टूल पास करते वक्त पेन हो रहा है तो यह एक फिजर का सिम्टम हो सकता है। दूसरा सिम्टम होता है साथियों ब्लीडिंग, कभी कभी पस्ट्यूलर डिस्चार्ज या ब्लीडिंग भी आती है। तीसरा, आपको हल्का सा मोटा सा लंप एनल ओपनिंग की तरफ हल्का सा सूजन महसूस होती है। तो अगर यह सिम्टम्स आप में हैं और इचिंग होती है एनस में, अगर यह सिम्टम आप में है तो फिजर आपको हो सकता है। बात कर लेते हैं कारणों की साथियों। कारण फिजर के, सबसे पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, लगातार कब्जियत बने रहना, बहुत सख्त स्टूल होना, बहुत सख्त लेट्रिन होना। अगर वह कंडीशन आप में है, जब बहुत हार्ड लम्ब्स होंगे और बिग लम्ब्स होंगे, तभी आपका जो एनल म्यूकोसा है वो टियर होगी और वही फिशर की कंडीशन होती है। तो पहली चीज़ हो गई कॉन्स्टिपेशन, जिसमें कि हार्ड लार्ज लम्ब्स ऑफ स्टूल पास हों। दूसरी कंडीशन हो गई साथियों प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान भी, और जो है वजाइनल डिलीवरी होती है उसके बाद आपको फिशर की शिकायत हो सकती है, आपको तकलीफ। इसके अलावा कभी कभी दवाओं के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी पाइल्स या फिशर की स्थिति बन सकती है। लेकिन ठीक है, कंडीशन है, लेकिन इसकी दवाएं भी हैं जो आपको ठीक करेंगी। हम आपको साथियों बताएंगे फिशर को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, लेकिन उसके पहले विनती करेंगे साथियों कि यह दवाएं बिना डॉक्टर के, चिकित्सक की राय के बिना ना लें, क्योंकि होम्योपैथी फ़ायदा कर सकती है और कभी सिम्टम ना मैच करें तो आपको फ़ायदा नहीं करेगी। तो किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करके ही दवा लें। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको आपकी समस्या से, यानी फिजर की समस्या से निकालने की 10 से 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में फिजर को ठीक करने की है वह है एसिडम नाइट्रिकम। नाइट्रिक एसिड उस स्थिति में फिजर को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है साथियों, जब आपके बढ़िया रेड फ्रेश ब्लड स्टूल के साथ आ रहा हो जो बहुत पेनफुल हो। अगर यह कंडीशन आप में है, जो कि एक फिजर की एक कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन होती है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा नाइट्रिक एसिड है। और नाइट्रिक एसिड उस हर समस्या की दवा है जहाँ पे आपको फिजर हो। चाहे आप देख लें आपकी ज़ुबान में आपको अगर फिजर हो रहा है तो भी दवा नाइट्रिक एसिड है, आपके एनल म्यूकोसा में फिजर है तो भी नाइट्रिक एसिड है। इसकी 200 पावर की 3 खुराक आप 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपके फिजर ठीक होने लगा और आप इस समस्या से निकल गए। फिर साथियों, एक स्थिति आती है एनल फिजर में कि मरीज के हर समय एक चिपचिपापन,
एनस में बना हुआ है, लेटिन करने के स्थान के मुकाम पे बना हुआ है। तो अगर यह स्थिति आप में हो कि हर समय एक म्यूकस की फीलिंग हो और एनस का कॉन्स्ट्रिक्शन ना हो रहा हो और आपके एक्जेमा हो, स्किन डिजीज हो और साथ में एनल फिजर हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं। लेडीज़ में इसका सिम्टम होता है कि लेडीज़ थोड़ी मोटी थुलथुल और फेयर फैट एंड फ्लैबी होती हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, वह स्थिति हो तो ग्रेफाइटिस है। और पुरुषों में भी अगर लगातार कब्जियत बनी हुई है, आपके म्यूकस एनस में डिस्चार्ज हो रहा है, हर वक्त एक चिपचिपापन बना हुआ है और आपको स्किन डिजीज़ है, तो इन तीनों चीज़ों को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस 30 दो दिन में 3 बार लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक साथियों दवा आती है, कहूँ कंडीशन आती है कि जब आपने स्टूल पास करा उसके बाद आपको बहुत देर तक जलन और पेन होता रहा, तो अगर मोशन पास करने के बाद आपको बहुत वक्त तक पेन और जलन होता रहा, तो एक इस कारगर दवा इसकी है जो इस स्थिति की नंबर एक दवा है, वह है रिटेनिया। आप रिटेनिया 30 दो बूंद या पिल्स में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो स्टूल पास करने के बाद पेन है और बर्निंग है एनल रीजन में, वह पूर्णतया ठीक हो गई और आपका एनल फिजर भी ठीक होने लगा, बशर्ते आपको कॉन्स्टिपेशन ना रहे, जो कि आप थोड़ी सी सूझबूझ का परिचय दें तो आसानी से दूर कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों फिजर की कंडीशन में कि जब आपको बदबूदार पस और खुजली एनल रीजन में होने लगी, इचिंग होने लगी और उससे पस ऑफेंसिव डिस्चार्ज निकल रहा है, अगर यह स्थिति है साथियों तो इसकी बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में ठीक करने की है पियोनिया। आप पियोनिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपके एनल फिजर हो गया है और उस फिजर से आपको पस्ट्यूला डिस्चार्ज निकल रहा है जो कि बदबूदार है और एक स्टिंगिंग टाइप पेन, चुभन टाइप पेन एनल रीजन में हो रहा है और इचिंग हो रही, खुजली हो रही है, अगर यह कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एनल फिजर को एकम्पनी करती हैं, उसके साथ हैं, तो पियोनिया ऑफ स्नेडिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यू, इट विल क्योर दिस थिंग। फिर एक बड़ी कॉमन स्थिति आती है साथियों एनल फिजर में कि लगता है कुछ रेंग रहा है एनस के पास, लेटिन का जो मुकाम है वहाँ पे कुछ रेंगन ऐसी महसूस हो रही है, तो अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है प्लैटिनम मिटैलिकम। प्लैटिनम मिटैलिकम 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको एनल फिजर के साथ क्रॉलिंग सेंसेशन, कुछ रेंगता हुआ सा एनस के पास महसूस हो रहा हो, तो यह दवा आपको समस्या से निकाल के आपको स्वस्थ कर देगी। फिर साथियों एक और दवा आती है बड़ी अच्छी होम्योपैथी में एनल फिजर को ठीक करने के लिए, और कंडीशन होती है कि जब आपके मतलब हैमरिंग टाइप पेन हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि एनल रीजन में कोई हथौड़ी मार रहा है, मतलब पेन आ रहा है जा रहा तेजी से, अगर यह स्थिति आप में हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, दवा का नाम है लिकैसिस। लिकैसिस 1 EM 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके पेन हो रहा हो हैमरिंग टाइप एनल रीजन में, सोने के बाद आपकी तकलीफें बढ़ रही हों, अगर यह स्थिति कंप्लेंट्स एग्रेवेटेड आफ्टर स्लीप, अगर यह कंडीशन हो और आपके बोलने की बहुत ज़्यादा आदत हो, लिकैसिस के पेशेंट की ग्रेट लोकेसिटी होती है, बोलने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर यह स्थिति आप में है तो निश्चित रूप से आपकी दवा लिकैसिस है। एक और सिम्टम साथियों है लिकैसिस का कि इसका जो ब्लड होता है उसमें नीलापन होता है, ब्लूनेस होती है डिस्चार्जेस में, अगर डिस्चार्जेस में ब्लूनेस है, रात में तकलीफ बढ़ रही है और हैमरिंग टाइप पेन है, तो लिकैसिस इज द ड्रग ऑफ द चॉइस, आप इस दवा को लेके अपने फिजर को ठीक करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि एनल फिजर हो गया किसी के और उनके कॉन्स्ट्रिक्टिंग मतलब मरोड़ने टाइप पेन एनल रीजन में हो रहा है, तो अगर यह कंडीशन हो किसी साथी के कि उनका स्टूल पास करने के बाद कॉन्स्ट्रिक्टिव टाइप पेन हो रहा हो, मरोड़ वाला पेन एनल रीजन में हो रहा हो, तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है सीडम आर्क। आप सीडम आर्क 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो ये
कॉन्स्ट्रिक्टिंग पेन है एनल लीजन में, यह ठीक हो गया और आपका एनल फिजर भी ठीक होने लगा और आप सर्जरी या इसकी रीअक्रेंस से आप बच गए। एक स्थिति आती है साथियों, आपने मोशन पास करा और फिर कुछ देर आपको पेन हुआ। अगर यह स्थिति आपके है कि आपके कब्जियत है, पीठ में दर्द है और आपको पेनफुल स्टूल हो रहा है लेकिन वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में नंबर एक दवा है एस्कुलस हिप्पोकैस्टम। आप एस्कुलस हिप्पोकैस्टम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो पेन है स्टूल पास करने का और जलन है वह बिल्कुल ठीक हो गई। एस्कुलस और रेटिनिया में ये डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पर अभी हमने आपको रेटिनिया दवा भी बताई है इस वीडियो में, कि एस्कुलस का पेन थोड़ी देर रहता है और साथ में पीठ का दर्द एकम्पनी करता है, बैकएक ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन एंड एनल फिजर। अगर यह सिम्टम आप में है तो दवा एस्कुलस है, और अगर केवल आपके स्टूल पास करने के बाद पेन हो रहा है काफ़ी देर तक तो दवा रेटिनिया है। एक स्थिति आती है साथियों एनल फिजर में कि आपको इतनी तकलीफ हो रही है कि एनल एरिया में छूने में भी आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, वह स्थिति साथियों अगर है उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। हम लोग थूजा को नॉर्मली मस्सों के लिए जानते हैं, आप सोच रहे होंगे तो मस्सों की दवा है, लेकिन थूजा जो है फिजर की बहुत अच्छी दवा है उस कंडीशन में कि जब आपको छूने से भी एनल लीजन तकलीफ हो रही हो, इतनी सेंसिटिवनेस आ गई हो, तो थूजा इज द ड्रग ऑफ द चॉइस। आप 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी के स्टूल पास हो रहा है और वह बहुत लॉन्ग लम्ब्स में जा रहा है और साथ में उसके ब्लड आ रहा है। अगर वह स्थिति है कि स्टूल लंबे लम्प्स में हो रहा है, टुकड़ों में हो रहा है और साथ में उसके ब्लड आ रहा है और उसमें बदबू है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में कारगर दवा फास्फोरस है। आप फास्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। अगर आपके शाम को तकलीफें बढ़ती हों, खाने में आपको ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद हों, आपके शरीर में जलन ऐसी महसूस होती हो और आपके हार्ड लम्ब्स स्टूल के हो रहे हों, लॉन्ग लम्ब्स हो रहे हों और साथ में उसमें ऑफेंसिव और रेड ब्राइट ब्लड डिस्चार्ज हो रहा हो, यह स्थितियां हैं तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस फास्फोरस है। इसकी 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर आप वीकली लेके एनल फिजर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों जिसमें कि एनल फिजर का रीजन तगड़ा वाला कब्ज़ होता है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ होता है, ऐसा कब्ज़ कि व्यक्ति खाता गया कई कई दिन बाद उसको पॉटी हो रही है, वो अपना सब भरता गया पेट में, इकट्ठा होता रहा इंटेस्टाइन में और एक साथ 4-6 दिन बाद 3-4 दिन बाद लार्ज स्टूल पास हुआ और वो स्टूल जो शुरू में सख्त हुआ बाद में मुलायम हुआ। फर्स्ट जो पॉटी हुई वो सख्त हुई और बाद में जो फॉलो अप हुआ वो मुलायम हुआ और स्टूल स्टिकी हुआ जो सीट में चिपक गया। अगर इस कंडीशन है और साथ में आपको एनल फिजर है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एल्यूमिना। आप एल्यूमिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यदि लेते हैं तो आपका ये जो कॉन्स्टिपेशन है जिसमें लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ स्टूल इंटेस्टाइन हो रहा है वह भी खत्म हो जाएगा, आपका कब्ज़ खत्म हो जाएगा, आपका स्टिकी स्टूल खत्म हो जाएगा, आपको स्किन डिजीजेस होंगे ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन वह खत्म हो जाएंगे और आपका एनल फिजर भी सही हो जाएगा। एक और पिक्युलियर बात है एलुमिना की कि एलुमिना के मरीज को सर्दी ज़्यादा लगती है और स्किन डिजीज उसमें अक्सर ज़रूर होता है, तो यह स्थितियां हैं तो एनल फिजर को ठीक करने की ड्रग ऑफ द चॉइस आपके लिए है साथियों एलुमिना। आप एलुमिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके स्टूल हो रहा है जो बहुत ड्राई है, सूखी पॉटी हो रही है। अगर यह पोजीशन है कि बहुत ड्राई सूखी पॉटी हो रही है और वह बहुत मुश्किल से कॉन्स्टिपेशन के साथ होती है और आपके एनल रीजन में इचिंग होती है, अगर यह 3 कंडीशन आप में हैं तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस सल्फर है। आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके ड्राई हार्ड स्टूल हो रहा हो, साथ में अनबियरेबल एनल इचिंग हो रही हो। सल्फर के मरीज को मीठी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है, उसको दिन में सोना रात के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगता है
और थोड़ा सा वो एक डर्टी लुकिंग उसका सेंसेशन होता है कि नहाने का मन ना करना, देर से जल्दी देर से सोना, सुबह देर से उठना, तो इस तरह की जो स्थितियां होती हैं जो उसको डिटेरियरेशन की तरफ आप कह सकते हैं, तो कंडीशन सल्फर है। आप सल्फर की एक खुराक वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपकी ये स्थितियां भी बदलने लगी, आपका जीवन दिनचर्या और सुचारू स्वयं हो गई, और साथ में आपकी जो या एनल फिजर की समस्या है जो ड्यू टू हार्ड स्टूल इन लम्ब्स विथ एनल इचिंग है, वह भी ठीक हो गई। फिर साथियों एक बात उठती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है एनल फिजर में, वह है पस फॉर्मेशन, पस का डिस्चार्ज। तो अगर पस का डिस्चार्ज आपके हो रहा है एनल रीजन में, फिजर में से जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन का टियरिंग हुई है एनस में वहाँ से, तो उसको रोकने और हमेशा के लिए ख़त्म करने की दवा है साथियों सलीसिया। सलीसिया बड़ी मशहूर है, इट इज़ कॉल्ड सर्जन्स नाइफ इन द एंड ऑफ हैंड ऑफ होम्योपैथ। होम्योपैथ के हाथ में नाइफ की तरह काम करती है, ऐसा डॉक्टर हेनीमैन ने कहा है। तो अगर आपके पस बन रहा है तो सलीसिया ऐसी दवा है जो आपके पस को भी सुखा देगी और आपके एनल फिजर को भी ख़त्म करके आपको पूर्णतया स्वस्थ करके पेट से निवारण करके आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। ये साथियों कुछ दवाएँ थीं एनल फिजर को ठीक करने की, फिजर इनैनो को ठीक करने की। दवाएं बहुत कारगर है साथियों, बस शर्त है आप अपनी कब्जियत को ख़त्म कर सकें। और मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया कब्जियत दूर करने की तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात है कि आप रात का खाना जल्दी खाएं और हल्का खाएं। दूसरी बात है आप पानी बहुत पिए। तीसरी बात है बाहर का खाना अवॉइड करें। बाहर का खाना यूँ अवॉइड करें साथियों कि आप खुद सोचिए बाहर व्यक्ति आपको क्या देगा, इतनी महंगाई है, कैसा घी तेल आपको देगा। एक व्यक्ति 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद रहा है, उससे वो पका रहा है खाना, मसाले महंगे हैं, 500 रुपए का लो तो इतना सा मसाला केवल आता है, उसमें इससे ज़्यादा मसाले नहीं आते गरम मसाले के लिए। उसके बाद फोकट में खाने वाले लोग भी हैं, पुलिस वाले फ्री में आदत खाने की कईयों की होती, कई लोग होती जिनकी नहीं भी होती। उसके बाद और जो उधर गुंडे बदमाश सब उस इलाके के हैं चले आते हैं नेता एता, तो वो आपको क्या दे पाएगा। तो कोशिश करें बाहर का कम खाएं, क्योंकि 1000 रुपये का 5 लीटर अच्छे ब्रांड का तेल एक सड़क के खुंचे वाला नहीं दे सकता। कब्ज आपकी सही नहीं होगी तो आपका फिजर नहीं सही होगा, चाहे आप जितनी सर्जरी करा लें, चाहे आप जितने ऑपरेशन करा लें, चाहे आप जो कर लें। तो ये कुछ दवाएं थी साथियों आपके फिजर को ठीक करने की। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हम आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख दें या हमारे व्हाट्सएप नंबर 94157386 9415786380 पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर दें। वक्त मिलते ही आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करूँगा अगर आपका सवाल रेलिवेंट है तो। अगर साथियों आपको यह प्रोग्राम इतनी बात अच्छी लगी हो, आपको लगता हो समाज से इसको लाभ पहुंचेगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अपने अन्य साथियों से सब्सक्राइब करने को प्रेरित करिएगा, शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो हमारा यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.